पढ़ा ना, सब पढ़ा था ना कल का लेक्चर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, मीन्स इसका ग्राफ भी देख लेते थे। प्रॉपर्टीज कितना था, फोर था ना, उसी का पार्ट चलेगा। ठीक है, फोर का फर्स्ट में हम लोग किए थे क्या, y इक्वल टू क्या साइन इनवर्स साइन ऑफ ये x कब होगा, जल्दी जल्दी बताना। जब x होगा तो ये कब होगा, माइनस पाई बाई टू से लेके, ठीक है, अगर पाई बाई टू से बड़ा लेते हैं, ठीक है, पाई बाई टू से बड़ा और थ्री पाई बाई टू के बीच में लेते हैं, तब रिजल्ट क्या होगा, पाई माइनस एक्स। दूसरा जल्दी से बताओ, आप थ्री पाई बाई, ये एक्स माइनस पाई की पाई माइनस एक्स, देख तो क्या लिख, ठीक है, आप यहां पे लेंगे तो ये क्या लिखेंगे, मींस ये फाइव पाई बाय टू तक, तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू पाई, और यहां लेंगे कि माइनस थ्री पाई बाय टू से लेके कहां तक जाएंगे हम लोग, कहां तक, माइनस पाई बाय टू तक, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस पाई प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाद में हम कहे कि हमारे झंझट रखेंगे इसका ग्राफ नहीं किए थे ड्रॉ, तो ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, तो बोलो तो सबसे पहले इनपुट, अगर यहाँ पे इनपुट कहाँ से कहाँ तक डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, रेंज क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से लेके, काहे कि साइन इनवर्स है, उसके अंदर में कुछ भी रख दो वो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाय टू तक। तो ये आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मीन्स कि वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ये तो माइनस इन्फिनिटिव से चला गया प्लस इन्फिनिटिव तक, वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो वाई का वैल्यू कहाँ से, माइनस पाई बाई टू से लेके कहाँ तक, पाई बाई टू तक। ठीक, अगर हम वैल्यू रख रहे हैं माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, वैल्यू रख रहे हैं माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, ठीक है, तब रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, जो है वही मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे माइनस पाई बाई टू से बड़ा रखना है, तो पाई बाई टू से अगर आगे चलेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, पाई माइनस एक्स। तो आप मुझे पाई माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना, ये ध्यान रखना कि पाई माइनस एक्स का, तो ये पाई बाई टू ये हो जाएगा, पाई ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं काहे कि ज़्यादा, ये पाई ले लिए और ये क्या ले लिए, थ्री पाई बाय टू। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अगर एक्स का वैल्यू, अब यहाँ पे ये मीन्स y इक्वल टू यहाँ पे निकल के आया, दूसरा वाला जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू दूसरे वाले लाइन का y इक्वल टू पाई माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, इनपुट अगर पाई बाय टू से लेके थ्री पाई बाय टू तक, इसके बीच में किसका ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, अगर पाई पुट करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, अगर x का वैल्यू पाई बाई टू रखेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, पाई बाय टू। ठीक है ना, अब पाई रखेंगे तो रिजल्ट मुझे y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू, अगर पाई बाई टू, अगर यहाँ पे x का वैल्यू पाई बाई टू रख रहे हैं तो मुझे रिजल्ट क्या दे रहा, y इक्वल टू पाई बाई टू होगा, अगर x का वैल्यू हम पाई रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया,
तो अगर पाई बाय टू रखेंगे तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, पाई बाय एक्स को, ऐसा नहीं कि एक्स को, आप पाई रखेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा ना, इस दोनों को स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन है ना, तो दोनों को मिला दिए, कोई दिक्कत। आप थ्री पाई बाई टू रखेंगे तब क्या देगा मुझे, अगर थ्री पाई बाई टू देंगे तो क्या देगा मुझे, यहाँ पे थ्री एक्स का वैल्यू था, इसका मतलब ये पॉइंट इसके सामने में बन जाएगा, समझ में आया, समझ में आया नहीं समझ में आया। अच्छा ये बता, इनपुट कहाँ से कहाँ तक करना, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना, तो भाई वहीं से तो रखना चालू कर, तब देख वाई का वैल्यू, पॉइंट निकालते ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट निकालते हो, पाई बाई टू रखोगे तो पॉइंट क्या बनेगा, एक्स का वैल्यू पाई बाई टू, वाई का वैल्यू क्या, वहाँ पुट करना किस में, हाँ तो y का पता ना, x का वैल्यू पाई बाई टू रखेंगे तो y क्या आएगा, तो पाई बाई टू, ये पॉइंट क्या होगा, अगर ये पॉइंट, अगर ये ऊपर थोड़ा लिख दिए हैं, इसको नीचे ड्रॉप करो, काहे कि ज़्यादा ऊंचा नहीं ले गए हैं, इसको नीचे ड्रॉप करो, इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, ये पाई बाई टू होगा, कोई दिक्कत। अब ये क्या होगा, पाई बाई टू, ये आप बताओ, अगर हम यहाँ पे पाए है, उसके बाद हम क्या रख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू रखेंगे ना, यहीं तक का ना, पाई रखेंगे तब रिजल्ट मुझे क्या देगा, वाई का वैल्यू, तो पाई रखेंगे तो एक्स का वैल्यू पाई और दूसरा क्या होगा, जीरो, ये पॉइंट हुआ, ये दोनों को मिला दिए, ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, थ्री पाई बाई टू है, रखेंगे तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, इसको मिला दिए। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे थ्री पाई बाई टू है, ऐसी है, अगर बढ़ाएंगे, अगर इसको बढ़ाते हैं आगे लेके चलते हैं तो आगे जाएगा तो कौन सा वाला चलाएगा, तब किसका ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे एक्स का अगर हम यहाँ पे थ्री पाई बाई टू रखेंगे इसमें, ये तो कहा कि अब यहाँ पे इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, टू पाई होगा ना, ऐसे चलता रहेगा टू पाई, और दूसरा क्या होगा, फाइव पाई बाई टू होगा, पाई पाई का इंटरवल लेके चलते हैं। अब बताओ टू पाई रखेंगे तो आंसर मुझे क्या देगा, एक्स का वैल्यू अगर टू पाई रखते हैं तो पाई का वैल्यू मुझे क्या देगा, समझ में आया, इसमें पुट करना, इसमें पुट करना, ठीक है, जीरो, तो ये कैसे चला जाएगा। अब अगर पाई रखते हो, अगर कहोगे सर थ्री पाई बाई टू रखोगे, इसमें थ्री पाई बाई टू रखोगे आंसर को तुम्हें क्या देगा, तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक है, आइए फिर अगर फाइव पाई बाई टू रखोगे यहाँ पे तो तुझे आंसर क्या देगा, क्या देगा, पाई बाई टू देगा, ये चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा, फाइव पाई बाई टू और पाई बाय टू, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, समझा कि नहीं समझा, समझ में आया। अब वैसे ही अगर हम पीछे चलते हैं तो पीछे कहाँ तक जा रहे हैं, माइनस पाई बाई टू से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, उसके बीच में पाई तो होगा, ठीक है, आप माइनस थ्री पाई बाई टू, ठीक है, अब ये ऐसी है जिग जैग करता हुआ निकल जाएगा ग्राफ, ठीक है, देख रहे हो ना, ऐसे जिग जैग पाई बाई टू का इंटरवल से उठ रहा, फिर डाउन हो रहा, फिर ऐसे निकलता हुआ चला जा रहा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे करेंगे तो अगर माइनस पाई बाई टू इसमें पुट करते हैं तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू इसके इस दोनों के बीच में लाई करने के लिए, एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसके लिए, ये रिजल्ट क्या ये है, तो y का वैल्यू ये होगा। अब माइनस पाई बाई टू अगर पुट करते हैं, छोटा वाला अगर पुट करते हैं तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, पुट करना भाई, माइनस पाई बाई टू, x की जगह पर मुझे पाई बाई टू हो गया, माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू देंगे तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, यहीं पे ये पॉइंट मिलेगा,
अब माइनस पाई पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट मुझे देगा? जीरो। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा ना, और फिर ये क्या चला जाएगा? ऐसे ऊपर चला जाएगा। अगर माइनस थ्री पाई बाई टू पुट कर रहे हैं तो अंदर क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई टू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा मुझे? ये पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा जल्दी बता? एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस थ्री पाई बाय टू, और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये जो ग्राफ किसका बनाए हैं, ये वाई इक्वल टू क्या है? वाई इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स। और ये किसका ग्राफ बना था? ये वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये किसका ग्राफ बना था? वाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स। और ये किसका ग्राफ बना था? y इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई। समझ में आया? ठीक है, ग्राफ समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ग्राफ कभी कभी तो तुमने एग्जाम में नहीं पूछता, नॉलेज के लिए ये सब चीज़ है कि कभी कभी, ठीक है, कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ, तुमने फिगर मिलेगा बुक में, तो ये घबरा नहीं जाए ना ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसी के अगर जिग जैग करने तुमने ग्राफ का ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट हो जाएगा तो पकड़ लेते हो जैसे, ठीक है। ये जिग जैग करता हुआ जाएगा, ऐसे ही आता है गिरता है उठता है गिरता। तो देखो यहाँ से अगर माइनस थ्री पाई बाई टू से उठेगा तो इनपुट जैसे यहाँ पे ऐसे गिरता हुआ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक उठाते हुए जाओ, फिर गिरा दो उतना जितना गिरा है पाई तक गिरा दो, फिर उठा दो, फिर गिरा दो, फिर उठाते हुए ऐसे ही करते हुए लेके चले जाओ। तो जल्दी से नोट करो, तो ठीक है। ठीक है, तो अब हम कॉस का देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही साइन था, तो अब कॉस का देखते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग तुम लोग जल्दी जल्दी लगाना, तुम अपने से भी कर सकते हो, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि तुम लोग अपने से थोड़ा सा कर ले, भूले नहीं कभी। आ ये जान ले, और नोट्स छोड़ दिया तो फिर तेरे से बनने वाला नहीं है, दिमाग से उतर गया, ये जल्दी मिलेगा नहीं तुम्हारे, न तुम्हारे जी ये प्रूव्ड करके दे रहे हैं कैसे हो रहा क्यों ना, न जल्दी कोई बुक में मिलेगा तुझे, डायरेक्ट ग्राफ मिलेगा, कहाँ से आया क्यों आया वो मिलने वाला नहीं है तुझे, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा वाला वाई इक्वल टू ले लेते हैं, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब ये बताइए अगर रेंज में रहता तब हम क्या लिखेंगे? एक्स। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ? जीरो से लेके, तो जीरो से लेके पाई तक अगर होगा, अगर इसकी बात कर रहे हैं कि अगर ये फंक्शन रहता तो इसका डोमेन क्या होता? डोमेन क्या होता? ये एक्स का, तो मीन्स कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डोमेन क्या होता? अंदर में तो कॉस एक्स है, तो कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, तो डोमेन डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक। रेंज क्या हो जाएगा? उसका भी साइन का भी कहाँ से कहाँ तक लिखाए थे अभी डोन, इस वाले का माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक, इसका भी वही होगा। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके काई वैल्यू निकलेगा कॉस इनवर्स का, तो उसका रेंज क्या होगा? जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक। अब ये आंसर क्या देगा? एक्स। एक्स तभी हो सकता है जब जीरो से पाई तक अगर हम इसका वैल्यू देंगे, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके पाई तक अगर इसका वैल्यू देते हैं तो ये एक्स होगा, नहीं तो एक्स नहीं होने वाला। तो जब तुम्हारे x का वैल्यू जीरो से लेके पाई तक दिया रहेगा तभी तुम x लिखोगे, ठीक है, बाकी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर तुम्हारे दे दे माइनस पाई से लेके कहाँ तक? जीरो तक, ठीक है, तब क्या लिखोगे? ठीक है, अब तुम्हारे दे दे कि पाई से लेके पाई से लेके पाई, इसमें इंक्लूड कर दिए तो x 2 पाई तक दे दे, तब क्या लिखोगे तुम? ठीक,
तो अब यहाँ पे 3π x का वैल्यू यहाँ से दे दे 2π से लेके 3π तक लिख दे दे, तब क्या लिखोगे तुम? ठीक है, पाई से लेके पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, तो ये आधा पार्ट इसमें चला गया, आधा पार्ट उसमें चला गया, तो दो केस बन जाएगा, केस वन ये और केस वन टू। इस पार्ट में रहा तो यहाँ से यहाँ तक रहा तो ये अप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक रहा तो ये अप्लाई करें। ग्राफ जब बनाना तो तू जीरो से लेके पाई बाई टू से लेके पाई तक का एक एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, पाई बाई टू से लेके पाई तक के नहीं, 3π/2 के अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक, जैसा रहा तोड़ दे, माने कि दो घर का आदमी है तो दो, अब इसका बिहेवियर तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे बिहेवियर तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे, इसका बिहेवियर तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे, दोनों को मिक्स कर दोगे तो खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे केस लें तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो अब यहाँ पे ये तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, अब देखो कि यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू यहाँ दे दिया तो अब क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कॉस, अगर वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, अगर एक्स दे दिया, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई से लेके, माइनस पाई से लेके कहाँ तक, जीरो तक। ठीक है, माइनस पाई से लेके जीरो तक, तो अब यहाँ पे करेंगे तो ये अब इसको रेंज में लाना, सबसे पहले जो एक्स है उसको रेंज में लाना, तो रेंज में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा, काहे कि तभी है ना आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेंज का मतलब जीरो से लेके पाई के बीच में लाना। ठीक है, इसका रेंज का मतलब जीरो से लेके पाई के बीच में, तो जीरो से लेके पाई के बीच में लाना, तो मुझे एक्स प्लस पाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जीरो होगा इक्वल का। अब इसको पकड़ के रखना कि इसमें ऐसा बनेगा तभी हम कॉस इनवर्स को कॉस से काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, काहे कि एक्स का वैल्यू माइनस पाई से लेके जीरो तक, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे फार्मूला करेंगे, तो ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई इधर किए पाई इसमें ऐड किए, इसको बॉन्ड बना लिए, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, जैसे साइन में किए थे। अब देखो तो माइनस अगर इसमें से कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई प्लस एक्स करते हैं, तो ये बताओ कॉस माइनस थीटा या कॉस थीटा में कोई फर्क है, दोनों बराबर होता है ना। अब यहाँ पे इसको माइनस कॉमन लिख के भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई प्लस एक्स। ठीक है, काहे कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता, कॉस थीटा होता है ना, तो अगर हम माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो थीटा के अंदर में माइनस कॉमन उमन लिए तो कोई वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगा, तो हम माइनस हटा दिए अपने आप, इसको ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं तब रिजल्ट क्या देगा मुझे, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे रहा, कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा, ये थीटा की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, थीटा की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस पाई प्लस एक्स, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पर माइनस अगर यहाँ पे है ना बाहर निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस एक्स। ठीक, होगा कि नहीं होगा, क्या फार्मूला यूज किए हम लोग, कि किसका फार्मूला यूज किए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही फार्मूला यूज किए, कोई दिक्कत किसी को। तो अब बताओ, अब पाई प्लस एक्स इसका मतलब ये रेंज में है, जीरो से लेकर पाई के बीच में है, अब हम यहाँ से काट सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब रिजल्ट मुझे क्या बचा, पाई माइनस माइनस बाहर है तो माइनस अब माइनस एक्स, ये गया, रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, तो अगर इसके बीच में रहा तो हम मुझे कुछ नहीं करना, क्या कर देना,
एक्स का इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है? अब देखो, अब यहीं पे अगर ले लेते कि अगर दूसरा वाला अगर लेके चलते दूसरा वाला पॉइंट पे इधर भी, ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट, अब पाई से लेके टू पाई के बीच में रखते हैं, तब मुझे क्या बनाना पड़ता है, जल्दी से बनाना, तो ऐड करते कि माइनस करते। तब अगर सेकंड केस लेके आते हैं इसको, अगर एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे क्या है, पाई से लेके टू पाई के बीच में है, तो रेंज में लाने के लिए पाई माइनस करना पड़ता मुझे, तब यहाँ पे हम क्या लिखते, जीरो, और ये क्या हो जाता, एक्स माइनस पाई, और ये क्या हो जाता, पाई। आप अप्लाई कर सकते थे, तो इसको पकड़ के रखना, तो सेम अप्ली इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स पाई माइनस करना था, पाई ऐड कर देते हैं, एक्स माइनस पाई कर देते हैं, फॉर्मूले से क्या बनेगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, पाई प्लस एक्स क्या होता, पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो लगा दो, ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस अगर बाहर करेंगे तो फॉर्मूला क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस पाई, ये गया ये गया, ठीक है। रिजल्ट मुझे क्या मिला, पाई माइनस एक्स माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस पाई, तो ये क्या हो जाएगा, टू पाई माइनस एक्स, ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, टू पाई माइनस एक्स। जल्दी से तुम लोग निकाल के दिखाओ तो मुझे, ठीक है। तीसरा वाला समझ में आया ना तरीका, कोई दिक्कत, तो अब तीसरा वाला निकलना चाहिए, ठीक है, लिख लो पहले। चलो तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे करते हैं तो ये क्या, अगर यहाँ पे अगर करते हैं जैसे बनाते हैं तो नॉर्मल क्या करेंगे, इस वाला का लेंगे, अगर यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, जल्दी से बताओ, x माइनस टू पाई हो रहा ना। अब बता, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये सब आ गया तो समझो कि तुम्हारा इनवर्स ट्रिगोमेट्री को हिला पाएगा नहीं कोई, तब तुझे दिमाग में गया, नहीं तो ऊपर ऊपर से पढ़ना हुआ, ऐसी हवा में पढ़ के निकल गए, कोई फॉर्मूला क्यों हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो अब बताओ, ठीक है, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, रेंज जीरो से लेके पाई तक, वाई का वैल्यू तो जीरो से लेके पाई तक, और डोमेन क्या होगा, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ये ले लो, ये ले लो, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ से स्टार्ट किए, माइनस पाई से लेके हम लोग कहाँ तक गए, जीरो तक, ठीक है, फिर उसके बाद जीरो से लेके कहाँ तक गए, पाई तक, और फिर पाई से लेके कहाँ तक गए, टू पाई तक, और फिर यहीं पर रख दो थ्री पाई तक गए, उसके आगे इन्फिनिटिव, ठीक है, ऐसे इन्फिनिट इन्फिनाइट तक चले गए हम लोग, ठीक है। अब रेंज कहाँ से होगा, जीरो से लेके कहाँ तक, पाई तक, तो y का वैल्यू, ये y एक्सिस पर हम y का वैल्यू रखते हैं y एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से लेके पाई तक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये भी हो सकता है पाई बाई टू, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो। अब पहले हम स्टार्ट करें कहाँ से कहाँ तक, इस वाले को पकड़ते हैं, एक्स वैल्यू जीरो से पाई रखते हैं आंसर, तो आंसर मुझे क्या आएगा, जीरो रखेंगे तो एक्स आएगा, जीरो पॉइंट, अगर
पाई रखेंगे तो पाई आएगा, पाई बाई टू रखेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई टू ही आएगा। जीरो से पाई के बीच में जो भी वैल्यू रखेंगे सेम चीज रिजल्ट मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या बनेगा, नॉर्मल वाई इक्वल टू किसका, एक्स का ग्राफ बनेगा। तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक, ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा पाई नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं। जीरो से लेके पाई तक ये पाई, ठीक। अब देखो माइनस पाई से लेके जीरो तक रखेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स कैसे जाता, एक्स पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रखेंगे तो आंसर मुझे क्या निकलेगा, निगेटिव। आ निगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव, यही है ना। तो निगेटिव रख रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऊपर बनेगा नीचे, ऊपर। अगर वन रखेंगे तो माइनस वन यहाँ, प्लस वन यहाँ पर बनेगा, तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, बन जाएगा ना, ये हो गया, ठीक है। ये किसका बन गया, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये क्या बन गया, y इक्वल टू एक्स। अब देखो y इक्वल टू टू पाई माइनस एक्स, तो पहला पॉइंट अगर पाई रखते तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, पाई रखे तो आंसर क्या दे दिया, पाई। अब देखो टू पाई रखेंगे तो आंसर मुझे क्या देगा, इसका मतलब टू पाई रखेंगे तो ये यहां पर कुदुक के चलाएगा, और फिर अब इसमें रखेंगे तो थ्री पाई, अगर टू पाई रखेंगे तो जीरो, और थ्री पाई रखेंगे तो क्या दे देगा, टू पाई। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे करता हुआ ऐसे आता जाता रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा तो ये माइनस टू पाई, ऐसे ही बनता रहेगा। ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x, यही सब पर क्वेश्चन रहता, धांसुरू वाला। नॉर्मल वाले में तो तुम फूक मार के क्वेश्चन से उड़ा दोगे, ठीक है, लिख लो। अब देखो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मुझे पूछ दे, ठीक है, अगर ऐसे दिया रहा तो बड़े आराम से वैल्यू निकल जाता, ठीक है। तो तुम देख के देखे किस टाइप का क्वेश्चन दे सकता इससे रिलेटेड, कि अगर यहां पे दे दे, बोले तुमरे कॉस इनवर्स कॉस टू पाई बाय थ्री क्या होगा, ठीक है। तो खाली तुमने देखना कि टू पाई बाय थ्री कहां पे, टू पाई बाय थ्री का मतलब 120 डिग्री है ना, जीरो से लेके कहां तक लेके, इसका मतलब आंसर क्या होगा, एक्स होगा। तो जो अंदर में लिखा हुआ वही बाहर में लिखा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर यहां पे दे दे कॉस इनवर्स कॉस फाइव पाई बाय थ्री, आप बताओ इसको खोजो तो कहां पे, आप पाई बाय थ्री का मतलब 60, 60 को पांच दफा मल्टीप्लाई की 300, आप 300 पाई से लेके कहां तक, 2 पाई तक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब उसके लिए किसको अप्लाई करेंगे, 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 3, रिजल्ट क्या आएगा, आंसर हमारा रेंज में होना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे दे दे कॉस इनवर्स कॉस माइनस टू पाई बाय बाय थ्री, ठीक है, ये कहां है, तो आंख बंद करके क्या लिख देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी कॉस माइनस थीटा कॉस प्लस थीटा दोनों क्या होता, बराबर होता,
इसीलिए क्या लिख देंगे, माइनस पहले से लगा माइनस इसके अंदर में है तो ये क्या हो जाएगा 2π/3। ठीक है, अब यहाँ पे दे दे एंगल में तो बड़े प्यार से निकाल लेते हैं, अब यहाँ पे दे दे तुझे कॉस इनवर्स कॉस 3 क्या होगा जल्दी से बताना, पाई का वैल्यू कहाँ से कितना होता 3.14, जीरो से स्टार्ट करो 3.14 तक जाएगा, अब देखो तो उसके बीच में है तो 3 हो गया। अगर 10 दे दे या 12 दे दे कॉस 12 दे दे किस में आएगा, नीचे वाले में भी नहीं आ रहा, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं 8 कर देते हैं। ठीक है, आप देखो तो किस में आ रहा, 8 करेंगे तो ये क्या 2π का मतलब क्या होता 6 point something, तो इसके बीच में आ रहा तो क्या लिखेंगे 8 minus 2π हो गया। अगर ये सब भूल गया, तुझे याद नहीं है कि फॉर्मूला याद नहीं है, तो मुझे ये सोचना कि इसको पकड़ के रेंज में लाना। ठीक है, तो 8π का मतलब 8 है और 2π का मतलब 1π माइनस करोगे तो 3.3, समझो कि 3 माइनस करोगे तो 5 होगा, रेंज में नहीं आएगा। 2 माइनस करोगे माने 6 माइनस करोगे तो तुम रेंज में आ जाओगे, तो 2 माइनस करना। तब यहाँ पे अगर दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, कॉस इनवर्स कॉस 2π माने कि 2π ऐड करेंगे और उसमें 8 में से 2π माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत। अब ये फार्मूला से ये क्या हो जाएगा 2π + θ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही होता होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 8 - 2π। आप देखो तो ये रेंज में है, रेंज में है ना, आप इसे काट देंगे आंसर क्या आ जाएगा 8 - 2π। अब यहाँ पे अगर तुम्हारे दे देता जैसे कॉस इनवर्स कॉस 14, अब बताओ रेंज में लाना, एक तो 3π 3 के बराबर है, ये तो रेंज में है नहीं, 14 तो लिख नहीं सकते, तो रेंज में लाने के लिए कितना माइनस करें, चार माइनस करेंगे, ऐसे ही 3 × 5 = 15, तो 4 माइनस करते हैं तो देखते हैं रेंज में आता कि 4 माइनस करेंगे तो 4π माइनस करते हैं तो 12, अब तो ऐसे हो गया और 14 × 4 कितना हो गया 56, 12.56 हो गया। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या था 1 point something आएगा, 4 आएगा, तो 1 point something आ गया, तो इसका मतलब रेंज में हम आ गए, कहे कि 0 से लेके कहाँ तक मुझे आंसर चाहिए, 0 से लेके 3.1 तक, उसमें से 1π अगर कम कर देते हैं तो फिर वो तो हाई भाग जाएगा फिर, तो हम क्या कहें कॉस इनवर्स कॉस, ठीक है 4π ऐड माइनस करना, तो 4π ऐड कर दिए, 4 ये क्या कर देंगे 14 - 4π। हर एक ट्रिगोमेट्रिक के इसमें खाली तुम्हें रेंज मालूम है, पकड़ के रेंज में रखना, उससे बाहर जाना नहीं है, तुम्हें पाई ऐड करना माइनस करना, मैं निगेटिव वाला रहेगा तो वहाँ पर ऐड करना, यहाँ पे क्या करना माइनस करना। अब आप फार्मूला अप्लाई करो 4π, ठीक है प्लस ये किस क्वाड में चला गया, क्वाड की गिनती करो किस क्वाड में, 4π रोटेशन कंप्लीट किया, इसको हमेशा थीटा की तरह बिहेव करना, ठीक है फर्स्ट क्वाड में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, ये क्या हो जाएगा 14 - 4π, रिजल्ट आपको क्या दे दिया जल्दी से बताना थोड़ा सा 14 - 4π। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, ऐसे छोड़ देना, ठीक है समझ में आया, कोई दिक्कत जल्दी से नोट करो सारे को।
अब चलो टेन में चलते हैं। हाँ तो काहे ना, वही सब तो कर रहे हैं। हाँ हो गया वो आंसर। एक सौ क्या, 180 करे घटाएगा तो क्या आ जाएगा? वाह, 300 में से कितना घटाएगा? 180 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, तो रेंज में आ जाएगा। तो थोड़ा घटा के देखना, आंसर तेरे वही आएगा 2π-x। तो उसके बाद आके सिंप्लीफाई करेगा ना रे, तो सिंप्लीफाई करेगा ना, सिंप्लीफाई करके दिखाना मुझे, नहीं आएगा तब ना। सिंप्लीफाई करते हैं ना, घटाने हम क्या घटाए थे, घटाए थे पाए, रेंज में लगे। जब सिंप्लीफाई किए तो 2π-x आंसर आया। बराबर किसके होगा तो ये भी तो देखना है ना, खाली घटा के थोड़े छोड़ देना। हम घटाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम घटाए हैं, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किए ना रे, कि ऐसे घटा के छोड़ दिए तो भाई हो गया। घटाए हम इसको पकड़े रहे हैं, उसके बाद फार्मूला अप्लाई किए हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आंसर आया ये बॉन्ड है तो ये पड़ा हुआ, ये साथ में ये रेंज में है, ठीक है। उसमें लगा हुआ था माइनस, तो माइनस जहाँ बाहर करते तब पाई निकल गया था, पाई माइनस आ जाता था, फिर पाई बाहर भी इधर भी पाई, तो दोनों जाके पाई ऐड हो जाता तो 2π हो जाता। तो सिंप्लीफाई करोगे ना, काहे कि तुम फार्मूला याद नहीं कर सकते। आप सोचो कि 10 दे 14 दे 15 दे 20 दे 50 दे दे, तू फार्मूला याद करता रहेगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कहीं भी मिस कर गया कि 2π, ऐसे तुमने देखने में लगेगा कि हाँ एक बार क्या कर रहे हैं सर, एक बार 2π-x कर रहे हैं, दूसरी बार क्या कर रहे हैं, x-2π कर रहे हैं, तीसरी बार इसका मतलब क्या करेंगे, 2π जंप करता, 4π-x करेंगे। मगर तुझे पता होना चाहिए ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा, काहे कि हमारे उतना टेंशन लोगे भाई, ठीक है। खाली तुम अपना टेंशन इतना लो कि इसको रेंज में कैसे लाना, ठीक है। उतना माइनस किया उतना प्लस कर दो, फार्मूला अप्लाई कर दो, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। अब तुम माइनस करके बैठ जाओ, कह दे ये हो गया ये आंसर सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व नहीं करोगे तो गया। अब यहाँ पे थर्ड, y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ऑफ x। अब इसकी बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या होगा, x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, डोमेन वो पॉइंट है जिस पर डिफाइन नहीं होता, तो x का वैल्यू क्या नहीं है, किस पर डिफाइन नहीं होता, पाई बाई टू पे, उसका 3π/2 पे। जब जब पाई बाई टू आएगा और से मल्टीप्लाई होता हुआ तो डोमेन उस पर डिफाइन नहीं होगा, तो सब होगा माने रियल माइनस, ये सब याद रखना, रियल टेन एक्स का। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2n+1 × π/2, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज इसका क्या लिखा है जल्दी से बताना, टेन इनवर्स x का, टेन इनवर्स का रेंज जो है वही रहेगा, क्या होगा, -π/2 से, या तोड़ देंगे हम, अभी तक तुम्हें ये याद नहीं हुआ, नकारापानी का हद कर दोगे तो तू क्या सोच रहा, बेगर पढ़े बेगर हम कुछ किए हैं, दो ठो चार ठो याद नहीं करेंगे तो फिर मेरा क्या, -π/2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे चले अब ये किसके बराबर होगा, अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ये किसके बराबर होगा, अगर लेके चलते हैं, ठीक है, अगर चलते हैं y इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टेन x इक्वल टू x होगा, कब होगा, जब ये खुद x का वैल्यू कहां से कहां तक हो,
माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, एक्स बिलोंग्स टू माने एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दूसरा अगर लेते हैं, अब यहाँ पे पाई बाई टू से लेके पाई इंक्रीज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से पाई बाई टू से पाई बाई टू पे तो होता नहीं है, थ्री पाई बाई टू पे भी डोमेन है नहीं, अब बताओ कैसे होगा, सेम तरीका, ठीक है। अब इसको रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से बता, अगर x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू तक दे देगा तो रेंज में लाने के लिए मुझे क्या माइनस करना पड़े, पाई, सेम कंसेप्ट लेके चलते हैं, x माइनस पाई ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा पाई बाय टू, ये रिजल्ट मिला मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे लेके आते हैं तो सेम करेंगे तो यही क्या करेंगे, टैन इनवर्स टैन एक्स, अब पाई माइनस किए तो पाई प्लस कर देते हैं, ठीक है, पाई प्लस एक्स माइनस पाई। अब देखो इसका रिजल्ट क्या होता, टेन पाई प्लस थीटा क्या होता, टेन टेन ही होगा, पाई प्लस थीटा किस क्वाड में गया, थर्ड क्वाड में, टेन नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिख देंगे, टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस पाई, ये गया रिजल्ट मुझे क्या दे दिया x माइनस पाई, अगर इससे बड़ा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x माइनस पाई। अब तुम लोग उसका निकालोगे तो अगर यहाँ पे दूसरा ले ले, अगर यहाँ से माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके कहाँ तक लेके चले जाए माइनस पाई बाई टू तक, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, अब माइनस बाहर निकालना, ऐड करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से लेके चले जाते दूसरा वाले इस वाले में लेके कंडीशन में आ जाते हैं तो मुझे क्या करना होगा, टेन टेन इनवर्स माइनस पाई अब प्लस एक्स माइनस, ऐड करेंगे तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा पाई, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ऐड करना पड़ेगा, अब माइनस करेंगे, अब माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए, ठीक है, माइनस कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा टेन, ये क्या लिख दिया टेन इनवर्स टेन, अगर माइनस यहाँ पे करेंगे तो टेन इनवर्स माइनस चलाया माइनस कॉमन लेंगे तो टेन माइनस थीटा क्या हो जाता माइनस थीटा, तो चुपचाप माइनस बाहर निकले, इसको एक साथ रखना तब ये क्या होगा, ये बॉन्ड बना रहेगा तभी ये रेंज में लेके आएगा, नहीं तो रेंज में नहीं आएगा। अब ये क्या हो जाएगा टेन पाई माइनस पाई, इसमें माइनस निकल जाता है, कॉस में नहीं निकल जाता, सेक में नहीं निकलता है इतने आराम से चुपचाप, जिसमें उसमें पाई के साथ निकलेगा, ठीक है। उसमें दूसरा फॉर्मूला, तो यहाँ पर ये माइनस चुपचाप बाहर निकल जाता माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा x प्लस पाई, कोई दिक्कत, ठीक है। आप बताओ ये किस क्वाड में मूव कर रहा, सेकंड में, अब रिजल्ट मुझे क्या दे देगा ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पहले से बैठा हुआ, पॉजिटिव हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स टेन x प्लस पाई, ये गया ठीक है, ये क्या हो जाएगा x प्लस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x प्लस पाई, ज्यादा ऐसे ही आगे चलते रहेंगे तो मेरे निकलता रहेगा, पीछे जाएंगे तो पाई ऐड होता रहता, आगे आएंगे तो ये क्या होगा पाई माइनस होता रहता, दूसरा वाला क्या होगा x माइनस टू पाई, उसके बाद x माइनस थ्री पाई, ऐसे होता हुआ चला जाता, ठीक है। ऐसे चेक करना तो तुम लोग एक ठो आगे बढ़ा के जैसे उस समय किए थे तो आगे बढ़ा के एक ठो चेक कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं इसका जल्दी से जल्दी से। आने दो उसको। इसी का ग्राफ
इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। ये तो माइनस पाई बाई टू से लेके कहाँ तक जाएगा, पाई बाई टू तक, वाई का वैल्यू यही रहेगा ना, रेंज रहेगा इसी के बीच में रहेगा। तो सबसे पहले ग्राफ में है कि तुम्हें नॉलेज होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक जा सकता, पकड़ लो ये सब है ना, अगर तुम पकड़ लेते हो तो तुम्हारा हो गया तुम्हारा कंसेप्ट ग्राफ उराफ का कंसेप्ट। अब पॉइंट पुट करना उसी को मिलाना रहता और क्या रहता, ठीक है। अब यहाँ पे पहला ड्रॉ करना है तुझे y इक्वल टू x का, y इक्वल टू x का कहाँ से कहाँ तक, तुम इनपुट माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू। अब देखो ये इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है क्या कि वो डोमेन नहीं है, तो ये n से इंक्लूड नहीं रहेगा, तो ये चलेगा ग्राफ चुपचाप यहाँ से लेके तुमने यहाँ किया, इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड ऐसे गायब, ठीक। अब दूसरा माइनस पाई और क्या करेंगे माइनस थ्री पाई बाय टू और इधर करेंगे पाई और ये थ्री पाई बाय टू, ठीक है। अब यहां पे तो माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक चले गए, अब बताओ पाई बाई टू रखेंगे तो यहाँ पे क्या, दूसरे वाले में अगर पाई बाई टू रखते हैं तो आंसर मुझे क्या देगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा। हाँ दूसरा वाले पे आप गए ना, अब हम पाई बाई टू से लेकर थ्री पाई बाई टू तक जा रहे हैं ना, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट में अगर जाते हैं तो पाई बाई टू रखेंगे तो आंसर मुझे क्या देगा, डैट मीन्स माइनस पाई बाई टू, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। और थ्री पाई बाई टू रखेंगे तो मुझे क्या देगा, इसका मतलब ये पॉइंट आएगा मुझे, ठीक है। अब दोनों को क्या करना, अब पाई रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, इसका मतलब ये पॉइंट आएगा, तीनों को मिला दिए, ग्राफ टूट रहा, ये ग्राफ क्या होगा, टूटता हुआ चला जाएगा, कहेगा पाई बाई टू पे तो कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ये टूटता हुआ इस पॉइंट पे जाएगा और सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसका बन, ठीक है, ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। अगर माइनस पाई बाई टू करेंगे तो देखो, तो इस वाले में माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो ये क्या जाएगा, पाई बाई टू, हाँ, तो इस पे अगर यहाँ पे माइनस पाई बाई टू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब पाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर रख रहे हैं माइनस पाई ऊपर वाले में ना, निगेटिव वाले में तो जीरो, तो ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद अगर रखेंगे यहाँ ना टू पाई तो ये क्या होगा, माइनस थ्री पाई बाई टू रखेंगे तो क्या आएगा, नहीं समझ में आ रहा, वो दिख नहीं रहा, अरे भाई ये पॉइंट किधर है, अरे भाई पगला, इधर ले रहे हैं कि उधर ले रहे हैं, एक्स का वैल्यू कौन है, यहाँ देखना कहाँ से कहाँ तक ले के जा रहे हैं, अरे यहाँ क्या लिखे हुए हैं भाई, माइनस थ्री पाई बाई टू कहाँ पे है, तो फिर क्यों सो पूछ रहा, तुझे एक्स का वैल्यू रख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग रख रहे हैं ना, तो फिर हम बोलेंगे कि दूसरे वाले में तो तू मान लेगा, जबरदस्ती की वाले हम रख रहे हैं इसमें, तू दूसरे वाले में मान लेगा, तो तू अपने दिमाग ला, वो तू उस टाइम से तो यही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बता माइनस थ्री पाई बाई टू रखेंगे तो क्या होगा, जल्दी से बता, माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके सामने में होगा ना, आप माइनस पाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ग्राफ बनता हुआ चला गया, ऐसे डॉट डॉट कर दिए, ऐसे ना तुम लोग कर लेना, मगर ये इंक्लूड नहीं है ग्राफ में, ऐसे खूबसूरती के लिए हम कर दिए, तो ऐसे ग्राफ बनता हुआ चला गया, कोई दिक्कत, ये ग्राफ, हाँ ऐसे पैरेलल इसका चलता रहेगा, हाँ। और ये क्या हो जाएगा, इसका ये क्या है x प्लस, ये क्या है x प्लस पाई, ये क्या है x प्लस x माइनस पाई, और ये क्या है x माइनस टू पाई, ठीक है, सॉरी ये x है और ये x माइनस
पाई, उसके बाद एक्स में एक पाई कम करता हुआ सीधे निकलता जाता, और उधर चलेंगे तो एक पाई वाला बढ़ता हुआ डंडा चला जाता, ठीक है। अगर यहां पे क्वेश्चन दिया रहता इसके अकॉर्डिंग, जैसे टेन टेन इनवर्स टेन टू कौन सा अप्लाई करेंगे, किस में आ रहा रेंज में है, पहले टू रेंज में तो नहीं है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ना, तो माइनस करेंगे तो क्या माइनस करेंगे, पाई माइनस करेंगे या पाई माइनस करेंगे या टू पाई माइनस करेंगे या यही सब माइनस करते हैं या प्लस करेंगे, यही करते हैं ना रेंज में लाने के, तो अगर पाई माइनस करेंगे तो रेंज में आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा, 1.14 माइनस 1.14 आएगा, वो रेंज में है, ठीक है। तो पाई माइनस तो टेन इनवर्स टेन पाई माइनस करेंगे तो पाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस टू माइनस पाई हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ये थीटा की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, पाई प्लस थीटा टेन थीटा ही होता है। अब यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं लिखा है, नहीं माइनस की है, यहाँ पे प्लस कर दिए तो ये क्या हो गया, टेन इनवर्स टेन टू माइनस पाई, ये क्या रह गया, टू माइनस पाई काट दिया, रेंज में पकड़ा गया, ठीक है, रेंज में पकड़ाएगा तभी कटेगा नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है, टू पाई। अब फार्मूला में डायरेक्ट क्या करेंगे, ठीक है, तो ऐसी है, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, लिख लो क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टेन का आप बताओ तो दस लिख के देते, तुम लोग बताओ तो टेन इनवर्स टेन टेन क्या होगा रिजल्ट, बताना टेन माइनस सभी को यही आ रहा, देखे हम बताते बनाते हैं तो कितना माइनस करेंगे हम लोग, थ्री पाई, टू पाई माइनस करते तो काम नहीं चलता, ठीक है ना, ये सोचना कि टू पाई माइनस करेंगे तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, तो थ्री पाई माइनस करेंगे, थ्री पाई माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स थ्री पाई, ये टेन है, टेन ये क्या हो जाएगा, थ्री पाई प्लस टेन माइनस थ्री पाई, रिजल्ट क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन टेन माइनस थ्री पाई, ये गया टेन माइनस थ्री पाई, ये काहे होता है कि जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते थे एक्स माइनस टू पाई, एक्स माइनस थ्री पाई, एक्स माइनस फोर पाई, एक्स माइनस फाइव, अब पीछे जाएंगे ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे आसान ये रहता कि जहाँ देखो कि तुम नहीं है, रेंज से बाहर भाग रहा जितना है
तो तुमने ये ध्यान देना है कि कितना पाई माइनस कर लें कि रेंज में है, उतने आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉट का करते हैं तो कॉट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स आ सेवन का क्या होगा, सेवन माइनस टू पाई। नहीं समझे मेरे, हाँ बता तो, टू पाई प्लस थीटा किस क्वाड में जाता, तो टेन फर्स्ट क्वाड में भी पॉजिटिव और थर्ड क्वाड में भी, इसीलिए तो टेंशन खत्म है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट का भी तो वही हाल चलता रहता, अब कॉट इन में इसका डोमेन क्या है, हमेशा क्या होगा जीरो नहीं होना है, कॉट जीरो क्या होता इन्फिनिटिव, तो कॉट पाई भी क्या होगा इन्फिनिटिव, कॉट टू पाई भी क्या होगा इन्फिनिटिव, इसलिए आर में से ये नहीं होना चाहिए, डोमेन क्या नहीं होना चाहिए एन पाई नहीं होना चाहिए, जहाँ जहाँ पे जीरो रिजल्ट देगा ना, जहाँ पे इन्फिनिटिव रिजल्ट देगा वो नहीं होना चाहिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, रेंज क्या होगा कितना भी फुदक ले कहाँ तक जीरो से लेके पाए तक जाएगा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स का अब यहाँ पे ठीक है अगर करते हैं तो मुझे रिजल्ट क्या देगा, पहला तो एक्स देगा कब, जब जीरो से लेके कहाँ तक जाए पाई, जीरो भी इंक्लूड नहीं रहेगा और पाई भी इंक्लूड नहीं रहता, अब पाई से लेके हम टू पाई जाते हैं, एक्स का वैल्यू पाई से लेके टू पाई, और टू पाई से लेके हम लोग जाते हैं थ्री पाई, अब पीछे जाएंगे तो माइनस पाई से लेके हम लोग जाते हैं जीरो तक, तो जल्दी से निकाल के अब मुझे बताओ कि क्या होगा। ठीक है, कि माइनस पाई, माइनस वाला पहले ले लोगे कि माइनस पाई एक्स से लेके जीरो से लेके जाते हैं, तब क्या रेंज में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। एक्स माइनस ऊपर वाले का, हाँ आया ना, जो टेन का था सारा बिहेवियर तो वैसे ही रहता फार्मूला बनाने के लिए, तो जो टेन में बनता है ना कॉट में बन जाता, रेसिप्रोकल में यही टेंशन खत्म रहता कि जो टेन में बनता है कॉट में, वो दोनों रेसिप्रोकल में भी वैसे ही बनता है, मगर इसका थोड़ा सा ग्राफ रेंज की वजह से थोड़ा सा ग्राफ इसका थोड़ा चेंज हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, तो ये जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा पाई तक, ठीक है जीरो पाई टू पाई और हम लोग थ्री पाई गए, थ्री पाई और ये क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक है और जीरो अब माइनस पाई कर दें। देखो आया आया ना,
हाँ आता रहेगा, आ रहा है ना, जैसे टेन में चल रहा है वैसे कॉट में चले, फॉर्मूला तो सेम रहता है, टेन कॉट में चला जाता है, कोई तो दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे देखो तो रेसिप्रोकल में ऐसे ही चलता रहता है, उसका टेंशन नहीं लेते रेसिप्रोकल। तो अब यहाँ पे मेन तीन ठो था, तीन ठो का समझ में आ गया था, बाकी का सब ऐसे ही चलता रहता। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, एक्स प्लस पाई है, तो पहला वाला का माइनस पाई से लेके जीरो, अगर माइनस पाई पुट करेंगे तो आंसर मुझे क्या देगा, पहले वाले में माइनस पाई पुट करेंगे आंसर मुझे क्या देगा, जीरो। माइनस पाई तो इंक्लूड नहीं है, ये सब पॉइंट क्या है, ये सारा पॉइंट क्या है, इंक्लूड नहीं है, तो ये ध्यान देना ग्राफ बनाने में, ठीक है, इंक्लूड नहीं होगा। अगर जीरो पुट करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, जीरो पुट करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, सीधे पाई पर पहुंच जाओ, ठीक है, जीरो पुट करेंगे तो। अब यहां पे दूसरे वाले में आते हैं, तो जीरो पुट करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, जीरो, तो जीरो पे आ जाओ, ठीक है, पाई पुट करेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या देगा, पाई, तो सीधे पाई पे चले जाओ सामने, ठीक है। अब दूसरे वाले में पाई पुट करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, तीसरे वाले में जीरो, जहां से स्टार्ट है वहीं से बात करेंगे, ठीक है, टू पाई पुट करेंगे तो क्या पुट रिजल्ट मुझे देगा, तो इसका कैसे बनता हुआ चला गया, ठीक, ऐसे ऐसे, वैसे भी वो भी ऐसे ऐसे बनता हुआ गया था, ठीक है। ये किसका है, y इक्वल टू, ये क्या y इक्वल टू x प्लस पाई, इसका रेंज जीरो से पाई है, उसका रेंज माइनस पाई बाई टू से लेके y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x, और ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस पाई, ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस टू पाई हो गया। तो इस तरह से हम सारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ग्राफ हो गया। पहला देते को तो रेंज में ही है, तो सबसे पहले तुझे याद रहना है कि माइनस पाई इसका रेंज क्या है, साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू रेंज में रहेगा, तो लिख देंगे चुपचाप। दूसरा सेवन पाई बाई सिक्स रेंज से बाहर गया, रेंज से जस्ट वाला बाहर जाता तो क्या करते हैं, टू पाई माइनस एक्स करते थे कि एक्स माइनस टू पाई करते, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं टू पाई माइनस एक्स तो छोटा छोटा वाला ऊपर वाला नीचे वाला तो फॉर्मूला याद कर ही सकता है तू लोग, ठीक है। अब इतना मेहनत की है तो फॉर्मूला दो बार तीन बार तो देख लो भाई, एक एक फॉर्मूले को तू निकाल के ला रहा, अब फिर उसको देख भी नहीं सकता था कितना। अब यहाँ पे अगर नहीं याद रहेगा तो तुम्हें रेंज में लाने के लिए टू पाई क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करने, और नहीं तो क्या है सेवन पाई बाई सिक्स का वैल्यू तुझे याद होगा, 210 कॉस 210 डिग्री कितना होगा, नहीं याद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, कॉस रेंज में लाने के लिए टू पाई ऐड करो, ठीक है, और टू पाई माइनस करना पड़ेगा, सेवन पाई बाय सिक्स माइनस टू पाई, ठीक है, माइनस करेंगे टू पाई माइनस करेंगे, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, सॉरी पाई माइनस करेंगे ना, टू पाई नहीं, पाए पाए से काम चल जाएगा ना मेरा, टू पाई का एक माइनस करें, ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो ऐसे ही बन जाएगा, और वैल्यू भी याद रहेगा तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। कॉस ये क्या हो जाएगा कॉस पाई, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये थीटा की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस, ये क्या हो जाएगा सेवन पाई बाय सिक्स माइनस पाई, कोई प्रॉब्लम किसी को होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला कॉस इनवर्स माइनस थीटा का लग गया, ठीक है, ये थीटा की तरह बिहेव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस
सेवन पाई बाई सिक्स माइनस पाई, ये रेंज में है, रेंज में है ना, काट दो पाई माइनस, ये माइनस है ये प्लस, सेवन पाई बाय सिक्स प्लस पाई। तुझे याद रहता फॉर्मूला तो टू पाई माइनस सेवन पाई बाय सिक्स, डैट मीन्स कितना हो गया, कितना हो गया, माइनस नहीं हो रहा, पाँच बाय सिक्स पाई लगा दो, ठीक है, हो गया। याद रहता था क्या करते, टू पाई में से इसको माइनस कर देना, हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे देखो, ये तो क्वेश्चन करवाए किए, ठीक है, देख लोगे। अब ये बताओ, इसमें से माइनस क्या करेंगे, कितना पाई करेंगे, थ्री पाई माइनस करेंगे, और थ्री पाई ऐड करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके माइनस करते तो थ्री पाई माइनस टेन आंसर आता है शायद, ठीक है, करवाए कल। अब यहाँ पर टेन इनवर्स टेन माइनस सिक्स, माइनस सिक्स वाला किसको ऐड में जा रहा, चेक करो पीछे देखो जाके, ठीक है, माइनस सिक्स माइनस पाई बाई टू से, माइनस पाई बाई टू को याद करना 1.5 है, ठीक है, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू से स्टार्ट हो, माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू तक जाते तो एक्स प्लस क्या करते हैं, एक्स प्लस पाई, उससे पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू पाई, यही चल रहा है ना, तो एक्स ये डायरेक्ट अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स क्या है माइनस अ प्लस टू पाई, रेंज में आ गया, ठीक है। तो अब फार्मूला सेट कर देंगे तो ये टू पाई माइनस सिक्स, अगर तुझे फार्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, रेंज में लाओ। तो आप बताओ कितना ऐड करेंगे कि रेंज में आएगा, टू पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो टू पाई ऐड करो, तो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टेन, टू पाई ऐड किया तो टू पाई ऐड करेंगे तो ये क्या, टू पाई का मतलब 6.28 ऐड करेंगे, रेंज में आ जाएगा, टू पाई ऐड किए, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस सिक्स दिया हुआ तो माइनस सिक्स, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस भी करना होगा, माइनस टू पाई, इसको अलग पकड़ के रखना कि इसमें हम ऐड किए, ये अलग, ठीक है, इसको इधर उधर नहीं लिखना कि माइनस वाला तो उसमें लटका दो प्लस वाला, कहे कि हम इस पर फोकस कर रहे हैं, ये रेंज में आ रहा तो ये थीटा की तरह बिहेव करेगा। अब माइनस कॉमन लेंगे तो चुपचाप माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इससे भी माइनस बाहर निकलेगा, इससे भी माइनस बाहर निकला, तो माइनस बाहर लेके चले जाए, टेन इनवर्स टेन, और ये क्या हो जाएगा टू पाई, अब माइनस इसमें लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस इसमें लग जाएगा तो टू पाई इधर लिख देते हैं, माइनस सिक्स इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये सीधे किस क्वाड में जा रहा, निगेटिव, निगेटिव हो रहा ना, तो निगेटिव पहले से यहाँ पे है तो निगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव आएगा तो फिर निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, रिजल्ट मुझे क्या बच जाएगा प्लस हो जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन टू पाई माइनस सिक्स, ये कट दिया, आंसर क्या आ जाएगा टू पाई माइनस सिक्स। अगर फॉर्मूला याद है तो पाई प्लस एक्स होता है, पाई प्लस टू पाई प्लस एक्स होता है, जैसे निगेटिव में जाते हैं तो क्या होता, अगर माइनस पाई बाई टू से लेकर माइनस थ्री पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक है, माइनस पाई बाई टू तक है तो पाई ऐड करते हैं, उससे पीछे जाएगा तो टू पाई ऐड करेंगे, एक पाई दो पाई और पीछे जाएगा तो तीन पाई ऐड करेंगे, ठीक है। एक्स का वैल्यू यहाँ पर माइनस सिक्स है तो चुपचाप लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कॉट वाले का जीरो से लेके, तो रेंज में तो आ नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या होगा फोर, नहीं तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो कॉट इनवर्स रेंज में लाने के लिए फोर पाई ऐड किए, ठीक है, पाई ऐड किए, अब पाई माइनस किए, फॉर्मूला बन गया, यही आएगा फॉर्मूला, हाँ एक्स माइनस पाई होगा, आ रहा ना। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स
कॉट, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस पाई, फार्मूला के अकॉर्डिंग भी, एस के अकॉर्डिंग भी, ये क्या हो जाएगा, ये कटा 4 माइनस पाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो आज के लिए ये इसको यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगली प्रॉपर्टीज़ और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट में सिंप्लीफिकेशन जो होगा, नेक्स्ट क्लास में सब ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद करके लिख के आएगा 4 बार, तभी आना चलेगा। ट्रिगोनोमेट्री का क्लास एक भी किया है, 11 का, हाँ हाँ पहले दिन कोई फार्मूला लिखाए थे 10-20-25 फार्मूला वाला लिखाए थे, जितना लिखा हुआ उसको याद कर लोगे? ठीक है।